हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यहाँ पे आज की डेट हमने बना लिया है और आपको मैं पोजीशन पे सीधा लेके जाता हूँ कि हमने आज की डेट में पोजीशन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पोर्टफोलियो पे मैंने 95 क्वांटिटी ले रखी है SEL टैग की। तो कहीं ना कहीं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। टारगेट थोड़े अपसाइड में खुले हुए हैं तो इसलिए मैंने इसमें एक पोजीशन अभी बना ली। अभी मार्केट को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है और इसमें मुझे एक सेटअप का ब्रेकआउट होते हुए दिखा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको मैं दिखाऊँ छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ये कुछ आधे घंटे के अपने चार्ट पे यहाँ पे कितनी बार रेजिस्टेंस लेके इसने ब्रेकआउट दिया फाइनली यहाँ पे। तो मैंने यहीं पे एक ट्रेड बना लिया अपसाइड में, अपसाइड के लिए। और यहाँ पे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, यहाँ पे 2000 EMA तक का हमारा टारगेट है मोटा मोटा। और अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो हम बीच में कहीं निकल जाएंगे, क्योंकि ये सारे ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ये वाले पॉइंट 1558, 1566, 1568, ये सारे इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो अभी हमारा ट्रेड कहीं 200-250 रुपये के लॉस में चल रहा है इस जगह के आसपास है। तो इसमें जैसे ही अपसाइड का एक पिक आएगा इसमें अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिलेगा, नहीं तो ये इस रेंज के नीचे जैसे ही आएगा मैं मार्केट से एग्जिट ले लूँगा एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। कोई वो नहीं है, नेक्स्ट ट्रेड हम बनाएंगे फिर। फिलहाल अभी तो जल्दबाजी में मैं कोई भी ऐसा पोजीशन से एग्जिट नहीं करूँगा, डर के कुछ भी है। एक स्टॉप लॉस के साथ हम काम कर रहे हैं, वो स्टॉप लॉस हम अपना लेके चलेंगे। कुछ हमारा 48 के रेट पे है और 5 पॉइंट का मोटा मोटा स्टॉप लॉस है। तो 500 रुपये का मान के चलो, 500-600 रुपये मैक्सिमम इस लाइन के नीचे आएगा, 1543 के नीचे आएगा, तो मैं इस ट्रेड को काटने के लिए सोचूंगा लॉस के अंदर। अभी तो फिलहाल अभी तो नहीं काटेंगे, अभी इसमें पॉजिटिवनेस है क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद अपसाइड का मूवमेंट दिया, फिर नीचे रिट्रेस हुआ है। तो ये हो सकता है कि अपसाइड में चला जाए। अगर हम थोड़े बड़े चार्ट पे जाते हैं इसके, तो वहाँ देखते हैं क्या हुआ है। वहाँ पे भी ये बुलिश ही है एक तरह से, यहाँ पे कम से कम नहीं तो ये 1575 तक का पोटेंशियल रखता है एटलीस्ट, यहाँ तक तो आना चाहिए इसे। अभी बनेंगे ट्रेड में, इसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस ले लेंगे 43 के आसपास का। तो देखते हैं अभी क्या होता है, अभी तो मार्केट स्टार्ट हुई है, मैं आपको सीधा लास्ट में बताऊँगा। अब तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो। तो दोस्तों आज की ट्रेडिंग हमने कर ली पूरी और यहाँ पे आपको मैं सीधा पोर्टफोलियो पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि मेरा प्रॉफिट हुआ है लॉस। यहाँ पे आज मेरा कुछ 786 रुपीज़ का लॉस हुआ है, उसमें से एक लॉस मेरा SEL टैक में है, जो कि यहाँ पे अगर मैं नहीं निकलता 361 रुपये के रेट पे तो मुझे थोड़ा सा बड़ा लॉस देना पड़ता। और उसके बाद मैंने बजाज फाइनेंस में एक कॉल ऑप्शन के लिए ट्राई किया था, बट उसमें मुझे 425 रुपये का लॉस के साथ मेरे को निकलना पड़ा। कहीं ना कहीं मार्केट मुझे बड़ा लॉस दे सकता था, नीचे कर रहा था, तो मैं फिर अपना एग्जिट ले लिया मैंने। तो ओवरऑल लॉस मेरा आज का 786 रुपये है। और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, टिल देन गाइस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। बाय बाय।